अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। और कैसा है जनाब हाल अहवाल मौसम का आपके एरिया में। मेरे एरिया में तो जनाब 2 दिन पहले हुई बड़ी टिका के बारिश, बड़ी चम के बारिश, और बड़े ही जो है वो अच्छा हो गया एक तरह से कि बारिश के होने से बहुत सी जो चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं थी वो क्लियर हो गई। मतलब समझा करें, मतलब बारिश के ना होने की वजह से जो खुश्क खांसी सर्दी ये वो बुखार हर दूसरा बंदा बीमार, तो काफ़ी बेहतरी आ गई है जनाब उसमें। तो जनाब है सुबह सुबह 10:30 बजे का टाइम, 10:28 बजे हो रहे हैं इस वक्त, और मैं कर रही हूँ एज यूजुअल अपना काम ख़राब, क्योंकि ठीक काम तो मैं कर नहीं सकती, तो जो ठीक काम होते हैं मैं उनको ख़राब कर देती हूँ। इस वक्त मुझे जनाब एक पिक्चर का करना है बैकग्राउंड चेंज, और मैं उसी को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। देखते हैं जनाब आप अपने अपनी इस कोशिश में किस हद तक कामयाब होती हूँ। और ठीक हो गया जनाब, चलते हैं पहले से ही हम अपने डेस्कटॉप पे हैं और अपना जो काम है उसको पूरा करने की कोशिश कर लेते हैं, जो कि बहुत ही नामुमकिन सी, बहुत ही मुश्किल सी बात है। तो जनाब इमेज हमारा हो चुका है अपलोड, अब हम करते हैं इस पे ऐड बैकग्राउंड कलर, करते हैं हम ये, यस कलर हमें यही वाला चाहिए। और डन हो गया जनाब, और पिक्चर का साइज थोड़ा छोटा होना चाहिए था। चले इसको हम करते हैं सेव, अब ये सेव डाउनलोड होगी, सेव नहीं होगी, हो गई है जनाब ये डाउनलोड कर ली है। अब हमने इसको करते हैं मिनिमाइज, इसको भी हम क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि जनाब हम क्योंकि हमेशा काम कर देते हैं ख़राब, और पता लगे मैंने उसको कर दिया था डिलीट या ऐसा कुछ, तो वो फिर बड़े ही, आई थिंक इतनी पिक्चर काफ़ी होगी। लेट्स सी करते हैं क्रॉप, चलिए जनाब इसको अपलोड करके देखते हैं कि ये क्या कहती है। हमारी जो वेबसाइट है जहाँ पे हमें इसे अपलोड करना है हम कर लेते हैं उससे लॉग इन, होपफुली वो मान जाएगी, और होपफुली मैं मुझे पासवर्ड याद रह जाए। मैं पासवर्ड्स के मामले में बहुत बुरी हूँ कि मुझे पासवर्ड याद नहीं रहते, और हमेशा कोई भी एक्टिविटी करनी हो तो मुझे फिर नए सिरे से जो है चीज़ों का पासवर्ड बनाना पड़ता है। वेबसाइट है हमारी जनाब, हाँ जी देखते हैं कि ये हमें कंपनी प्रोफाइल पे ले आया है, हमें कंपनी प्रोफाइल में नहीं आना, हमें जाना है जनाब स्ट्रक्चर में। ये लफ्ज ठीक लिख रही हूँ या नहीं, कहीं 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 मेरे इस पे लिखने की भी गलती हो सकती है, क्योंकि उस दिन क्या लिख के सर्च किया था मैंने इसको, यस अब मैं पहुंच चुकी हूँ ठीक जगह पे। और पासवर्ड मैंने इसका शेयर किया था मेरा ख्याल है से, यहाँ हम कर लेते हैं चेक, यहाँ होना चाहिए क्योंकि यहाँ मैंने इनको फॉर्म किया। अच्छा ओके, देखते हैं जनाब अब हम कहाँ पहुँचते हैं और क्या होता है और हम मजीद इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि किसी ने, हाँ जी, और एज
और जनाब एज यूजल मुझे लग रहा है कि मेरा जो फ़ोन है वो इनकारी हो गया है मेरी मज़ीद वीडियो बनाने से, क्योंकि पिछली वीडियो को इससे मेरी कर दिया बिला वजह ही बंद, लेकिन अभी 11 से कुछ। तो जनाब एज यूजल मेरा जो फ़ोन था उसने कर दिया इनकार मेरी मज़ीद वीडियो बनाने से जनाब, क्योंकि मैंने एक व्लॉग इसमें पहले ही बना के रखा हुआ था, मतलब कि वीडियो बना के रखी हुई थी, एडिट करना बाकी है। तो मैंने उससे भी अपने डेस्कटॉप पे कॉपी कर लिया और जनाब इसकी भी जब तक वीडियो बन चुकी थी उसे कर लिया मैंने कॉपी, ताकि जो मेरी बेइज्जती है वो इसको शूट करते हुए दोबारा से ना हो, और मुझे दोबारा से एक दफ़ा वो ये ना कि बीबी पहले अपना फ़ोन खाली करो तो फिर वो तो बाद आके सड़े ना कोई कम करियो। ठीक हो गया जनाब, जो मैंने एक्टिविटी स्टार्ट की थी वो मैंने कर ली है पूरी, और मैंने अपना फ़ोन भी कर लिया खाली। और जनाब अब मज़ीद एक छोटा सा काम और है, उसे भी साथ साथ कर देते हैं। जनाब मेरी जो लिपस्टिक है वो रखी हुई है दोनों यहाँ पे, दोनों शेड्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, और देखूंगी कि आज मैं कौन सा शेड लगाती हूँ। एक जो है वो है जनाब शॉकिंग पिंक, ये वाला कलर, और दूसरा जो है वो न्यूड कलर है पीच सा। तो जनाब साथ ही हम कर लेते हैं अपनी ईमेल्स चेक, ताकि पता चले ईमेल पे कोई अगर न्यू कोई कोरेस्पॉन्डेंस आई हुई है तो हमारे नॉलेज में हो, वरना एज यूजुअल फिर मुझे पड़ती है सख्त वाली डांट, क्योंकि जब फिर मैं ईमेल चेक करती हूँ पता लगता है कि वो जनाब 4 दिन पुरानी हो चुकी है, और जो भी कोई बात हमें कोई कहना चाह रहा था वो उस बात को गुजर चुके हैं 4 दिन, तो फिर खड़ी हो जाती है मुश्किल। पहले मैं कहने लगी थी फिर खड़ी हो जाती है खटिया, फिर मैंने कहा पता नहीं इसका क्या एक्चुअली एक्चुअली इसका क्या मतलब होता होगा, मतलब तो इसलिए मैंने कहा मुश्किल खड़ी हो जाती है। जनाब चीज़ें मेरी सारी जो है मेरे टेबल पे यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ 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 बिखरी पड़ी ही हैं, और मतलब इतने सारे पेन जो है वो मैंने खामखा में बिखेर के रखे हुए हैं, मुझे नहीं पता कि इनका कोई काम है या नहीं है। ये मेरे मतलब इसकी जो बास्केट है वो टेबल पे ही रहती है, वो बेचारी चल के कहीं जाती नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ये हो गया, फिर से ये हो गया, ये हो गया, शायद पता नहीं क्या वेरिफिकेशन इन लोगों को हमसे चाहिए होती है। मेरे ख्याल में तो यही है, लेकिन उनका ख्याल है जी मेरा मेरे ख्याल से मैच नहीं करता हूँ मैं तो, अल्लाह जाने कहीं कुर्दबिन लगा के चीज़ें वो की भी होती हैं। कहते हैं जी अच्छा जी न्यू इमेज भी हमने चेक कर लिया, शुक्र है इन्होंने वेरीफाई कर दिया, मतलब एक ईमेल को लॉग इन करने में जान निकाल देते हैं ये लोग हमारी, मतलब इतना भी क्या इन्होंने हमें वेरीफाई करना है। जब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे फोन का जो एंगल है वो कोई बहुत ठीक नहीं है। यस, यहाँ पे थोड़ी सी रोशनी जो है फोकस पे आई थी, लेकिन ये फिर से चला अपसेट हो गई है। तो सही कुछ हुआ तो था, कोशिश कर रही हूँ। हाँ जी मेरी कोशिश आखिरकार कामयाब हो गई है, और जो रोशनी है उसको मैंने कर लिया है बेहतर, क्योंकि जना मेरे पास कोई बहुत सारे गैजेट्स नहीं है जिनकी मदद से मैं जो हूँ अपनी वीडियो की क्वालिटी को कोई बहुत अच्छा सा शूट कर सकूँ। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और उसी गुर्बत के साथ जो है वो मैंने ये वीडियो बनानी होती है, तो फिर उस गुर्बत में मैं मज़ीद मतलब अंधेरे में मज़ीद अंधेरा बर्दाश्त नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे तो आदत होगी जनाब इस अंधेरे की, लेकिन आप लोग कहेंगे कि पता नहीं की वीडियो बना के ना ला छड़ी में जिदे ना कोई रोशनी है कि तो ना ही कुछ हो रहेगा। पास ही हो चुका है ओपन ईमेल बॉक्स, इसमें पेमेंट्स 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 पेमेंट्स
में ऐसी कोई भी ईमेल नहीं आई भी, गुड हो गया जनाब, तो इसको हम कर देते हैं क्लोज। इस पे भी ऐसा कोई नो रिस्पॉन्स नहीं है, अब हम अपना चेक कर लेते हैं। मेरे पापा किन्नी बारी दसा, मैं रिपोर्ट नहीं रिपोर्ट नहीं रिपोर्ट नहीं, यकीन ही नहीं आता इन्होंने लोगों। शुक्र है इस बारी जल्दी मंग गया। अच्छा वैसे कि मुझसे पूछ रहे पासवर्ड मुझे याद नहीं है, लेकिन क्योंकि कीबोर्ड पे वो फिंगर्स को कर कर के इतना वो हो जाता है कि बस फिंगर, अच्छा यहाँ 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 यहीं कर दो बस, कुछ ऐसा ऐसा सा कुछ कर दो तो ऐसा सा कुछ हो जाता है। ऐसा सा कुछ चल रहा है हमारे साथ। और फिर से मेरा जो कैमरा है उसकी लाइट का अगेन कोई इशू फिर से आना शुरू हो गया। चले कोई बात नहीं, आज वो नहीं चाह रहा कि मैं कैमरे पे कोई खूबसूरत नजर आऊँ, जो कि मैं हूँ भी नहीं, तो वो इन एक्चुअल जैसी मैं हूँ वैसे दिखाना चाहता है, तो उसकी मर्जी है। जी ठीक हो गया हमारी। फिर से उसने कहा जी आपकी रिक्वेस्ट हो गई है सबमिट, हम मान लेते हैं इस बात को क्योंकि अभी हमने की थी। इस ईमेल को मैं करना चाहती हूँ प्रिंट। प्रिंट मैसेज अगर हम करते हैं तो वो उस पे हमें इसको बड़ा कर लेते हैं ना, ताकि हमें पता चले कि हम जो प्रिंट करना चाह रहे हैं क्या ये। अच्छा जी हम तो हड्डी कमी सी हो, उन्हें कह देता है जी तुसी अपने मोबाइल में लाओ चार्जिंग पे, कि उदी जड़ी बैटरी पावर है वो बड़ी लो हो गई है। मतलब हर पासों ही बेइज्जती करी जाती है मेरे मेरे फ़ोन ने। चेक कर लेती हूँ जनाब। जी ठीक है, चार्जिंग जो है वो मैंने क्योंकि साथ में अटैच कर दी है। अच्छा उसने शायद जो लाइट है ना वो भी इसीलिए ऑफ कर दी कि वो मुझे कह रहा है कि आपकी जो लाइट है मतलब आपकी जो चार्जिंग है वो अच्छी नहीं है, उसको पहले वो कर लें। जनाब मैसेज हम कर लेते हैं अपना प्रिंट, अन्य वाह हमने इसका कमांड दे दिया, हमने ये नहीं देखा कि जनाब ये प्रिंट ऑन बोथ साइड होगा या वन साइड होगा, तो होपफुली के प्रिंट ऑन बोथ साइड हो, वरना खाम खा में मेरा पेपर ज़ाया हो जाएगा, बचत होगी जनाब मेरे पेपर ज़ाया होने से। तो जनाब अब ये प्रिंट, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, जब उठूँगी तो मैं इसको जहाँ पे अटैच करना है वहाँ जाके अटैच कराऊंगी। तो जनाब अभी केस हो गया कंप्लीट, इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैंने कल कर लिए थे प्रिंट, और कुछ जो है वो ये एक रह गया था यही था, और मैंने सोचा था कि जनाब सुबह आके कर लूँगी। वैसे मुझे याद नहीं था अगर मैं ये अपना ईमेल लॉगिन ना करती तो मुझे शायद ज़िंदगी भर याद ना आता कि इसको देख लो। अच्छा जी ये इफ्तिखार साहब तो फरमा रहे हैं कुछ, यार ये पता नहीं किस तरह की ईमेल्स टाइप करते हैं ये लोग, इसका ना पैर समझ आता है ना सर। अभी आधा माजन से बाहर जा रहा है, अब मैं क्या करूँ इसका, ऐसे करके देखो। अभी एक पेज से बाहर जा रहा है, मुझे लग रहा है कि ये बहुत छोटा कुछ हो जाएगा कि पता नहीं पढ़ा भी जाएगा या नहीं, लेकिन ये अब आ चुका है जनाब एक पेज पर। अगर मैं इसको मूव करके देखूँ तो क्या है, कुछ बेहतर लग रहा है ये, इस उंगली में कुछ बेहतर लग रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, आप बढ़ा सकते हैं क्या। यस बस जनाब अब हम इसको कर लेते हैं प्रिंट, के हमारे मतलूबा जो था वो हमें हो गया था।
तो लोगों के नाम एक जैसे होने की वजह से बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। अभी यहाँ पे 7500 ईमेल्स हैं, लेकिन जिन लोगों की ईमेल्स मैं ढूंढना चाह रही हूँ या देखना चाह रही हूँ, मतलब वो फिर मुझे बकायदा ढूंढनी पड़ी है। चले जनाब, गुड हो गया। हमारे जो दो काम थे ज़रूरी वो हमने कर लिए हैं चेक। हमारे पास ये भी आ गया और ये भी आ गया, ये इनको हम रखते हैं यहाँ सामने ताकि बॉस आए तो हम इनको डिस्कस कर सकें। इसको कर देते हैं क्लोज, इसको कर देते हैं ओपन, और हमने क्या करना है। चलो मैं करती हूँ 5 मिनट के लिए अपनी वीडियो को बंद और अपने फ़ोन को चार्ज, ताकि थोड़ा सा ये चार्ज हो जाए, क्योंकि वो मेरी फ्लैश लाइट जो है उसको भी ऑन नहीं कर रहा। फ्लैश लाइट के बगैर मेरे काली भूत नहीं लग रही। ओके, तो थोड़ा सा चार्ज होके आते हैं। जनाब, कितनी दफ़ा मैंने आपको बताया कि सस्ता फ़ोन होने का ये बहुत नुकसान होता है। अच्छा जी, इससे आ जाते हैं। अब ये जो इन्होंने एक उस पर वो लगाया है, चूज फाइल कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, मेरा ख्याल इसको पहले रीन्यू कर लेते हैं। ठीक जनाब, मिसिंग मैंने अपलोड की थी यार, तुम लोगों को पसंद नहीं आई, ये तो ना कह के मिसिंग। इस फाइल को रिमूव करेंगे, हमने नई फाइल अपलोड करनी है। मैंने पहले भी फाइल अपलोड ही की थी। मतलब चाहते क्या है भाई, चाहते क्या है आप लोग, क्यों 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 तंग कर रहे हैं। हाँ। अब अच्छा जी, पिक्चर के साइज पे भी मुझे लग रहा है कि इनका कोई रोला है, तो साइज देख लेते हैं हम। नहीं है, ठीक है, साइज तो ठीक अपलोड किया मैंने। इस 0.1 MB और आप लोगों ने कहा कि 1 MB की हो सकती है, तो फिर क्या तकलीफ है। JPEG, अच्छा हाँ, JPEG का ही इमेज होगा, PNG का है। ओके, हाँ तो ठीक है ना यार, दोनों कहे हुए, दोनों कहे हुए आपने, अपनी ही बात से मुकर जाते हैं आप लोग। खाम खामे एक बेचारी अपना नारी को तंग करते हैं आप लोग। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आते हैं। स्किप द टैब मेंबरशिप, अच्छा यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है एप्लीकेशन पेंडिंग, वहाँ कह रहे हैं जी एप्लीकेशन रिजेक्टेड, दो फिटे मुँह थोड़ा। मैंने 29 को वो किया था, इन्होंने फर्स्ट पे उस पर रिप्लाई किया है, अब दो पे। चलिए देखते हैं अब क्या होता है। अच्छा यार, वैसे जो मैंने इनकी पिक्चर अपलोड की थी ना, बिल्कुल सेम पिक्चर जो है उनकी प्रोफाइल एज प्रोफाइल पिक्चर अपडेट हुई भी है, लेकिन क्या कहने हमारे पाकिस्तानी दारों के, कि वो उसको भी नहीं मान रहे, उन्हें पता नहीं क्या चाहिए। मुझे छींक आ रही है। यस, दोस्तों ये बहुत तमीज में आई है, अदरवाइज जो ओरिजिनल छींक है ना मेरी, वो आप लोग सुन लेते ना अगर कभी, तो आप लोगों ने अपना घर छोड़ के भाग जाना था, इतनी खौफनाक होती है। तो दोस्तों, इसी छींक के साथ मेरे ख्याल है इस ब्लॉग को हम करते हैं एंड।
और इंशाल्लाह फिर किसी नए ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपकी जो सपोर्ट है वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और कोई भी सजेशंस हो, आपको लगता हो कि मुझे किसी टॉपिक पे जो है वो वीडियो बनानी चाहिए या किसी टॉपिक पे नहीं बनानी चाहिए, या मैं मुझे अपने ब्लॉग्स में क्या बेहतरी लानी चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, तो अपनी सजेशंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।